हल्द्वानी में कांग्रेस के स्वराज आश्रम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल लोकसभा के लिए चुनाव समन्वयक बनाए गए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष समेत ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ली है। इस बैठक के दौरान पदाधिकारियों और पार्टी संगठनों को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी अपनी राय लोकसभा समन्वयक के समक्ष रखी गई है। पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने सुझाव रखे हैं। लोकसभा समन्वयक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता से तैयारियों में जुटी हुई है। आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत का परचम लहराया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हम जो हमारा संगठन है उस संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने अभी तक क्या काम किया, कहाँ पर क्या बना है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद जो आगे चुनाव की रणनीति होगी वो भी बातचीत होगी, किस तरह से होती है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे करके। तो चुनाव आ गए हैं, इसलिए चुनाव के संबंध में जो भी रणनीति बन सकती है, जो हम उनको बता सकते हैं या जो काम जमीन से करवा सकते हैं, उस जमीन को कराने का प्रयास कर किया जा रहा है।